Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. So this session is going to be very, very interesting, and trust me that I am going to do this session for the very first time. आज से पहले मैंने ये session कभी नहीं किया है, and this session is going to be very helpful अगर आपने अभी recently November और December में अपने exams दिए हैं UGC NET के, and you are very disheartened कि मुझे दोबारा तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर तैयारी करनी चाहिए तो कैसे तैयारी करनी चाहिए. सो आई एम गोना हेल्प यू एनालाइज योर एग्जाम एंड योर परफॉर्मेंस. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने रिस्पॉन्स शीट और आंसर कीज को डाउनलोड कर लिया होगा. सो उसकी मदद लगेगी यहां पे, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक, एंड इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी दोबारा शुरू कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग जून 2022 एग्जाम. हमेशा स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं दोस्तों, कि एग्जाम होता है, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर एकदम से जोश से कि यहीं हमारा तो एग्जाम बहुत खराब हुआ है, हम फिर से तैयारी करेंगे, और तैयारी में जुट जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि क्या क्या गलतियां उन्होंने करी, क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने करी. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड मैं आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक एक्सेल शीट का इस्तेमाल किया मैंने, जो मैं जनरली नहीं करता हूं, बट उस एक्सेल शीट की मदद से मैंने एक स्टूडेंट के पेपर को एनालाइज किया है एक्चुअली प्रैक्टिकल सेंस में, एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग नोटिफिकेशन. मैं इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियोज और अकेडमिक कॉन्टेंट बेस्ड वीडियोज भी लाता रहता हूं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी खबर मिलती रहेगी. हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है इस वीडियो के, वहां से आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें. वहां पे सारी अपडेट्स मिलती रहती है कि मेरे लेक्चर्स कब होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट आल्सो. सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अब इससे पहले कि आप शुरू करें तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है और ये मैं आपको बोलना चाहूंगा. फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. आई नो अभी आप बहुत डिप्रेस्ड होंगे कि आपका स्कोर कम आया, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट द मेजर ऑब्जेक्टिव शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल लिव एंड एंजॉय इन योर प्रेजेंट. ठीक है कि अब एग्जाम हो गया है, दैट इज द गुड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज कि अब आपको आंसर कीज भी मिल गई है. ठीक है, ये दूसरी गुड पार्ट है. तीसरा गुड पार्ट ये है कि अब कोविड की सिचुएशन जो है काफी हद तक काफी जगहों पर थोड़ी सी इंप्रूव होने लगी है, दैट सर्टनली गेटिंग इंप्रूव्ड. और अगर इंप्रूव बहुत ज्यादा नहीं भी हुई है, अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो जो उसके सिम्टम्स है वो एक नॉर्मल फ्लू की तरह आ रहे हैं. जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड इज नाउ इज गोइंग टू बी अ कॉमन फ्लू और उसको हम नॉर्मल रूटीन की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं. ठीक है, तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज जून 2022 का, वो बिल्कुल अपने टाइम पे होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिलेड. ये दोबारा अब डिले नहीं होने वाला है. तो आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रेजेंट टर्म में रहना है, इंजॉय करना है, और ये देखना है मोर देन दैट That whatever you can do to secure your future. अब देखो जो पिछला अटेम्प्ट था वो तो चला गया, आपने आंसर कीज से अपने आंसर्स चेक कर लिए, आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि क्या आपका स्कोर है. जो भी कट ऑफ होगी वो थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होगी. अगर आपके 52 हैं या 50 मार्क्स हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एकदम से JRF क्वालिफाई हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और दोबारा से तैयारी टाइमली शुरू कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा आपका सारा टाइम निकल जाए. एंड डोंट वरी, 5 से 7 दिन के अंदर रिजल्ट जरूर आ जाएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम नाउ, हार्डली मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा. ठीक है, तो इस कोड के साथ शुरू करते हैं. आई थिंक थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा आपको. अब सबसे अहम सवाल क्या आता है कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम और परफॉर्मेंस को एनालाइज करना. तो यहाँ पे पहले कुछ की पॉइंटर्स हैं जो आप समझ लीजिए, एंड देन वील प्रोसीड. फर्स्ट इज टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 डेज. अगर आपने अभी अभी आंसर की चेक करी है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल ही चेक करी होगी, तो सबसे पहले तो 2 दिन के लिए ब्रेक लो यार, चिल मारो थोड़ा सा. मतलब ये एक एग्जाम था, एग्जाम हो गया, आपने बहुत मेहनत करी, 10 से 11 महीने मेहनत करी. ठीक है, नाउ इट्स द टाइम कि आपने आंसर की देख ली है, अब अच्छी हुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी अच्छी हुई है तो 2 से 3 दिन ब्रेक ले लीजिए, 2 से 3 दिन चिल मारिए. ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद वापस आइएगा, और सबसे पहले अगर आपने अभी तक रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं करी है या अभी तक अपने आंसर कीज नहीं डाउनलोड करी तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर ही लिया होगा. सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू मार्क करेक्ट आंसर्स. अभी आपने क्या किया होगा, हो सकता है बहुत जल्दबाजी में सिर्फ अपने आंसर्स टिक टिक लगा के ये देख लिए होंगे कि कितने हमारे सही हुए. अब आपको क्या करना है, अब आपको उस रिस्पॉन्स शीट के अंदर करेक्ट आंसर्स मार्क कर देने.
सबसे पहला काम आपको ये करना है, मतलब जो भी आपने आंसर दिया है वो तो नीचे लिखा ही होगा हाईलाइटेड फॉर्म में रिस्पॉन्स शीट में, उसी में आंसर कीज को देख कर जो करेक्ट आंसर कीज है आप करेक्ट आंसर मार्क कर लें। ठीक है, एक बार आपने ये कर लिया तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि एग्जाम खत्म हुआ तैयारी में लग जाते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि क्या हमारी गलती थी, क्या हमारी स्ट्रेंथ थी इस एग्जाम के बेसिस पे और क्या हमारी वीकनेस थी। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसका मैंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका आपको दे दिया है कि आप अपने स्कोर को टॉपिक वाइज क्लासीफाई करिए, कैटेगराइज करिए इस बेसिस पे। अगर आपका 60% से ज्यादा स्कोर है किसी भी टॉपिक में, लेट्स से कि आपके रिसर्च के 5 क्वेश्चन आए थे, अभी मैं वो भी बताऊंगा डिटेल में, और उसमें से 3 आपके सही हुए, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 60% हो गया आपका, तो दैट मींस ये सब्जेक्ट आपका कहां लाई करेगा स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, मीडियम 40-60 और लेस देन 40% स्कोर कर रहे हैं तो फिर ये सब्जेक्ट आपका वीक है। तो इस तरीके से पहले आपको कैटेगराइजेशन कर लेना है। अब आप 60% से ज्यादा में भी ले सकते हैं या इक्वलेंट टू 60% भी ले सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट इस तरीके से एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन आप करेंगे सबसे पहले एंड देन यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आप ये कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको 60% का लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि 10-15% क्वेश्चन जो है वो हॉट्स आते हैं जिनको मैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहता हूं, और ये हर टॉपिक में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर रिसर्च में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देयर इज हाई चांस कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता होगा, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आएगा या फिर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च में देखता हूं कि वो ऐसी प्रैक्टिकल चीजें पूछ लेते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस पे या ऐसी टेक्निक बेसिस पे जो आपने नहीं पढ़ी होती है। इनफैक्ट वो रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी में पढ़ाई जाती है। तो इस तरीके के 1-2 सवाल आपको हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक के अंदर मिलने वाले। तो अगर आप 60% से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन कीप योरसेल्फ इन द स्ट्रॉन्गर कैटेगरी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्लैरिटी। अब यहां पे मैंने क्या किया है, प्लीज इस चीज को समझिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इनिशियली आपको आधे घंटे लगाने पड़े, मुझे भी लगाने पड़े, बट मैंने एक स्टूडेंट की आंसर कॉपी डाउनलोड करी, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी, करेक्ट आंसर्स मार्क किए एंड देन मैंने उसके पेपर 1 का यहाँ पे एनालिसिस किया है। जिस तरीके से मैं पेपर 1 का एनालिसिस करूंगा उसी तरीके से आप पेपर 2 का भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डजंट मैटर कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, व्हाटएवर इट बी, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये पेपर 1 का एनालिसिस मैंने किया है और ये 26 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए इसको, बट 25 नवंबर के अगर दोनों शिफ्ट काउंट करेंगे तो थर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो 26 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट का, उस स्टूडेंट का मैंने एनालिसिस किया है, उस पेपर का एनालिसिस किया है पेपर 1 का। ठीक है, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एनालिसिस करना क्या है। अब देखिए, आप इतने ज्यादा आलसी हैं कि आप 1 घंटे अपने पेपर को एनालाइज नहीं कर सकते, तो फिर तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैंने स्टूडेंट का पेपर एनालाइज किया है, फिर मैंने उस स्टूडेंट को ये सारी चीजें भेजी, उससे कॉल पे एक बार डिस्कस भी किया, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट द क्लैरिटी कि अब मुझे कैसे प्रोसीड करना। ठीक है, तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पूरे 50 क्वेश्चन को उनके टॉपिक से मार्क कर लिया, दैट मींस 1-50 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया, मतलब कौन से एरिया से आया, वो सबसे पहले मैंने मार्क किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरे पेपर को मार्क कर लिया पेपर 1 के, एंड देन मैंने ये कैटेगराइज किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 4 कैंडिडेट के सही हुए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% बन जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी हो गई। ठीक है, कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई और इंपॉर्टेंट गैदरिंग जो आपको हुई है एनालिसिस करते हुए, वो आप प्लीज लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग रन में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये भी क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा टॉपिक आया था। फॉर इंस्टेंस लेट्स से डेटा इंटरप्रिटेशन में इस कैंडिडेट का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है रेशियो और एवरेज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई और डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक लगाने ही नहीं है। इससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि अगर रेशियो एंड एवरेज आएगा तो इस स्टूडेंट की क्लैरिटी इस टॉपिक के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर अच्छी है, बट हो सकता है कि अगर परसेंटेज टॉपिक पूछा जाए तो हो सकता है इस स्टूडेंट को चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे। तो इसी तरीके से और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको रेलिवेंट लगती है एनालिसिस करते टाइम तो आप वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 सही है, स्ट्रॉन्ग है टॉपिक, टॉपिक कौन सा था, लीडरशिप के टॉपिक से रिलेटेड था। तो इससे आपको ये भी आइडिया लग गया कि जो कॉमर्स में आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आरसी आई थी, तो इसलिए शायद करने में इनको आसान रहा हो। ठीक है, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन सही थे, मतलब 3 गलत हो गए, अप्रोक्सीमेटली 50%, मीडियम कैटेगरी में डाला है, और क्वेश्चन के बारे में जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा
दीज वर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि अच्छा रिसर्च डिजाइन पढ़ा हुआ है तो कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा हुआ है तो कर सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से चार क्वेश्चन आए थे, एक सही हुआ था, इसका मतलब वीक एरिया में लाई करता है ये, और कैसे क्वेश्चन आए थे, मेजरली कंसेप्चुअल आए थे, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जेन पिगेट टाइप की थ्योरीज आई थी जो हमने पढ़ी हुई है बट शायद बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी हो, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ी हो, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ली हो, इसलिए क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। कम्युनिकेशन टॉपिक से पांच क्वेश्चन आए थे, तीन क्वेश्चन सही हुए हैं मीडियम कैटेगरी में, और मिक्स्ड क्वेश्चन आए थे। मिक्स्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग नेचर के थे, मतलब मिक्स फॉर्म में थे, ऐसा नहीं था कि एक ही ओरिएंटेशन से पेपर आया था, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एनवायरमेंट, पांच क्वेश्चन आए थे, तीन क्वेश्चन सही हुए हैं कैंडिडेट के, मीडियम कैटेगरी में लाई करता है, और करंट अफेयर्स और फैक्चुअल क्वेश्चन भर भर के थे, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, मेजरली करंट अफेयर्स और फैक्चुअल टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांच क्वेश्चन आए थे, दो सही हुए, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा वीक एरिया है, मिक्स क्वेश्चन थे अगेन, इसका मतलब है कि आईसीटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वीक एरिया आइडेंटिफाई होके आ रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन, पांच क्वेश्चन, तीन सही हुए, मीडियम एरिया है, कंसेप्चुअल टॉपिक्स आए थे, इस बार रैंकिंग नहीं पूछी गई थी, ठीक है। क्यूए इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, पांच क्वेश्चन आए थे, एक सही हुआ है, वीक है, और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे, तो इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट का सबसे वीक एरिया, एटमोस्ट वेरी वीक एरिया कह सकता हूं मैं, वो क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब आप खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल रही है, ठीक है। इसमें आप जितनी और डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे, जितनी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन करते जाएंगे, बिकॉज देखिए ये आपका एग्जाम है, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ाई करी है, तो आपसे बेहतर कोई भी एनालाइज करके नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ अपने बेसिस पे एक जेनरिक आइडिया से एनालाइज करना सिखा रहा हूं आपको, बट अगर आप सेम चीज पेपर वन और पेपर टू में अप्लाई करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर होने वाली है एक रैंडम प्रिपरेशन से, ठीक है। लास्ट लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, पांच क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन सही हुए हैं, अगेन ये वीक एरिया है, और कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन इंडियन लॉजिक में थे बेसिकली, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थे वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर थे, दैट वाज फ्रॉम सिलोगिज्म एंड फैलेसी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एक कैंडिडेट की बेसिकली एक समरी बन गई, ये जो कैंडिडेट जिसके लिए मैंने एनालिसिस किया है कि ये कैंडिडेट का कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वीक है। सेम थिंग इज टू बी डन फॉर पेपर टू। मैं समझ रहा हूं कि आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट अपने ही फायदे के लिए करना है, एक ही बार करना है, एक से डेढ़ दो घंटे लगा के, उसके बाद आप आराम से इसके बेस पे अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं फॉर योर जून 2022 एग्जाम, ठीक है। तो अब आधा काम हो गया हमारा, या 70% काम हो गया हमारा, कि हमने कैटेगराइजेशन कर ली, हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और कौन सा मीडियम लेवल पे है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग। ये इस सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट सेक्शन पे। अब प्रायोरिटाइजिंग में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, पहले सेक्शनल कट ऑफ होती थी, मतलब पहले पेपर वन के लिए अलग कट ऑफ होती थी, पेपर टू के लिए अलग कट ऑफ होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपका क्या फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका फोकस ये होना चाहिए दैट फर्स्ट यू कवर दोज एरियाज विच आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, या जो आपके स्ट्रेंथ हैं। खुद सोचिए कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो पहले आप डिफिकल्ट टॉपिक पिक करेंगे, या पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पिक करेंगे, या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पिक करेंगे। दो फायदे होंगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पिक करने से। पहला, आपका सिलेबस जो है वो तेजी से बढ़ेगा, द स्पीड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। दूसरा क्या होगा कि क्योंकि आप देखेंगे कि आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, आपका मोटिवेशन और मोराल भी जबरदस्त रहने वाला है। कई बार आप देखते ना कि आपने लेट्स से डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लिया, अब आप 10 दिन से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं बट सही नहीं हो रहे हैं, खुद सोचिए क्या होगा, आपका मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक पिक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको मैंने सीरियल नंबर वन पे रखा है, जो मीडियम है उनको सेकंड पे रखा है, और जो वीक है उनको मैंने थर्ड पे रखा है। इसमें आप वेरी वीक की भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन और आरसी स्ट्रॉन्ग था, तो इनको जल्दी से फट से करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे। तो प्रोबेबली क्या कर लिया कि डेटा इंटरप्रिटेशन के परसेंटेज के क्वेश्चन लगा लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लेट से आपने लगा लिए टॉपिक फ्रैक्शंस के, ठीक है, दो चार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लिया और दोनों टॉपिक्स डन हो गए। तो मतलब एक बार में ही आपने प्रैक्टिस करके इन दोनों टॉपिक्स को जल्दी से खत्म कर दिया, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी पे नेक्स्ट हमने रखा है रिसर्च एप्टीट्यूड को, कम्युनिकेशन को, पीपल एनवायरमेंट को, एंड आईसीटी को। अब इन चारों में आप अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चॉइस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट आपको क्या उठाना है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी टीचिंग एप्टीट्यूड,
योर आईसीटी, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड योर इंटेलिजेंस। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता जाएगा एंड आपका सिलेबस भी टाइमली कवर होता जाएगा, बिकॉज आपने इजी टॉपिक पहले उठाए तो वो आपको करने में कंफर्टेबल हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आप पेपर वन में भी अप्लाई करिए, पेपर टू में भी अप्लाई करिए। आई डोंट थिंक कि अब मुझे अलग से स्पेशली पेपर टू का एनालिसिस करने की जरूरत है, आपका वो खुद का एरिया है, आप पेपर टू का भी एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में करिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से करिएगा। ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा डिटेलिंग आप एनी अदर इन्फो वाले सेक्शन में डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं छोड़ भी सकता था, बट यहाँ रेशियो एवरेज लिखने से मुझे क्या पता चला कि मुझे और जो टॉपिक्स हैं जो जनरली एग्जाम में आते हैं डीआई के लिए, जैसे परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी डाल सकते हैं, तो जो भी ये टॉपिक्स हैं ये मुझे पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार डेटा इंटरप्रिटेशन तो मेरे 4 मार्क्स आ गए, 80% स्कोर है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, एक्सेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपको इस चीज की क्लैरिटी देगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। हमने अपने कोर्सेज चालू कर दिए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा तरीका, मेरे मोटिवेट करने का तरीका समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट anujjindal.in। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 9999466225 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। बट डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको दोबारा बाद में कोई परेशानी नहीं हो, बिकॉज इस बार एग्जाम डिले होने के बहुत कम चांसेस हैं। जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सारे ही जो बॉडीज हैं वो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि जो मैंने ये एक सिस्टमैटिक तरीका बताया ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।